नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आरसम। आज दोस्तों आपको हेडमास्टर भर्ती से संबंधित बता रहा हूँ मैं कि कुछ साथियों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका पूरा शेड्यूल देखना है, काउंसलिंग देखनी है, विज्ञापन सब मैंने एक लिंक पे कर दिया, टोटल A to Z। यानी A to Z का मतलब हो गया भर्ती स्टार्ट से लेके और अंत तक की जितने भी होंगे, यानी आपके विज्ञापन से लेके और आपके ऑर्डर तक रिजल्ट सब पूरा का पूरा, जो आपके पदस्थापन ऑर्डर होंगे, पोस्टिंग ऑर्डर होंगे, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये मैं बताने वाला हूँ, इसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और सारी चीज़ आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में। लास्ट तक हमारे साथ बने रही है और वीडियो चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। वैसे हमारी कोर कमेटी जो है हेडमास्टर सिलेक्शन के लिए जो लगी हुई है वो तत्पर है, पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन फिर भी मैं मेरे तरफ से एक लिंक बता रहा हूँ, तो ये आप देखिए दोस्तों। तो जैसे ही इस लिंक पे सबसे पहले जो लिंक बनाया मैंने काउंसलिंग के लिए लाइव सीटों का, देखिए तो लाइव सीट कैसे देखें, कुछ साथी आज भी पूछ रहे थे ग्रुप वगैरह के अंदर कि किस किस प्रकार से। तो सबसे पहले मैं लाइव सीट का बता दूँ, आज आपको पता है दोस्तों कि 168 की जो काउंसलिंग होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले जो असाध्य रोग, विधवा परित्यागता वगैरह महिला जो आई थी, तो इसके लिए इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो है निदेशालय की सीट इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। इसको जैसे आप देख रहे हो, इसमें आपको दिखाई दे रही है, सबसे पहले आपको इसको मैं डेस्कटॉप मोड कर लेता हूँ, तो ये मैंने लिंक यहाँ से दे दिया, तो आपको बार बार लिंक पूछने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आप देखिए कि 1799 पोस्टें ओपन की है, जो कि 1827 पोस्टें ओपन की थी उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन फिर बाद में संशोधन करके 1899 कर दिया है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी थी वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के थे और कुछ सीनियर स्कूल थे जो अपग्रेड हो गए थे और वो सेकेंडरी के रूप में दिखा रहे थे, तो उनको हटा दिया गया। तो अब आपके पास मौके हैं 1799, 1799 में से 165 सीटें आज भर गई है, आपके सामने दिखाई दे रही है। अब आपके पास से कल जो काउंसलिंग होगी, यानी कि जो 15 तारीख को जो काउंसलिंग होने वाली है, उस काउंसलिंग के अंदर आपको 1634 सीटें, 1634 ऑप्शन मिलेंगे जो आप भर सकते हो। अब आप दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन जो नीचे दिए, आप दिखाई दे रहे हो कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट दिया है, फिर आपके फील्ड सीटें दी है, फिर टोटल सीटें दी है, परसेंटेज दिए, तो आप देख रहे हो कि यानी कि अजमेर की बात करें, अजमेर के अंदर 71 सीटें टोटल, जिसमें से 9 सीटें आज भर चुकी है। अब सीटों को आप देखेंगे कैसे, कुछ साथी पूछ रहे हैं कि इनको देखें कैसे, तो आपको क्या करना है उसके लिए उस ज़िले पे क्लिक करना है, जिस प्रकार से मैं हनुमानगढ़ ज़िले पे क्लिक कर लेता हूँ, मान लो 16 नंबर पर, तो आपको इस ज़िले पर कहीं पर भी आप यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की सीटें आपके सामने ओपन हो जाएगी, ऐसे जैसे आपको दिखाई दे रही है। इन सीटों के अंदर आपको जो है स्कूल का सीरियल नंबर, नेम और डिस्ट्रिक्ट और आगे नंबर ऑफ पोस्ट दिखाई दे रही है, तो ये जैसे ही पोस्ट फिल हो जाएगी यहाँ से ये ब्लैक, मतलब ये रेड हो जाएगा, बाकी ये ग्रीन दिखाई देगा। जिस प्रकार से आज की पोस्टें बात करें तो ये टोटल पोस्टें आपको सामने दिखाई देगी, जिसमें भरी हुई पोस्टें हैं वो इस प्रकार से दिखाई देगी और खाली पोस्टें आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। तो इसको आप देख सकते हो, जिस प्रकार से हनुमानगढ़ के अंदर ये जो भादरा के अंदर मुंसरी जो स्कूल है वो भर चुका है, और उसके बाद में ये फोर्थ फील्ड हो चुकी है जो कि ढाबा संगरिया के अंदर है, और ऊपर जो पीलीबंगा, 3 सीटें भरी है, ठीक है। इसके बाद में इस पर आप बैक हो जाए, बैक होने के बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो भी आपको देखना है वो आप देख सकते हो, जिस चित्तौड़ के देखिए 3 सीटें भरी है, चित्तौड़ के अंदर ही आपकी पूरी सीटें आपके सामने ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये आपकी जो है रेगुलर अपडेट होती रहती है, जैसे ही मान लो आप काउंसलिंग जब भी चलेगा, यानी कि काउंसलिंग का टाइम 11 to onward है, तो जितने टाइम तक है, आज जो काउंसलिंग हुई तो 3 बजे समाप्त हो गई थी, यानी कि काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी आज 12 बजे के आसपास, और 12 to 3 3 घंटे के अंदर लगभग लगभग क्या पूरे 165 कैंडिडेट की जो काउंसलिंग हो चुकी थी कंप्लीट। इससे पहले आपको बता दूं, जैसे आपको पता ही है कि 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो कल जो कैंडिडेट होंगे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 बजे से स्टार्ट होंगे, जो कि अलग भवन में स्टार्ट होते हैं, उसका आपने पढ़ लिया अगर तक। तो ये आपका काउंसलिंग का मैंने बता दिया ऑनलाइन, इस प्रकार से आप देखिए और समझिए और ऑनलाइन देखते रहिए, और हमारे इस लिंक पे आप आके यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो। फिर दूसरा मैंने जो है नव पद स्थापित हेडमास्टर नियुक्ति आदेश, तो नियुक्ति आदेश जो भी होंगे, निदेशालय जो भी नियुक्ति आदेश करेगा आप काउंसलिंग के बाद, वो आपको इस लिंक पर आपको दिखाई दे जाएंगे। तो इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद जैसे इसमें पूरे जो RPC पोस्टिंग ऑर्डर जो है वो आपको पूरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो कल प्रस्तावित अंतिम रिक्तियां डाली थी वो ये आपके सामने हैं, 11 तारीख और 10 तारीख से, 10 तारीख से इस भर्ती के बारे में पूरा का पूरा, तो इसमें आपके पोस्टिंग ऑर्डर आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में काउंसलिंग के दौरान मान लीजिए आपको कोई स्कूल देखना है, उसके बच्चे देखने हैं, उसके टीचर्स देखने हैं, उसके लोकेशन देखनी है, तो ये आपको लिंक मैंने दे दिया, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, काउंसलिंग के दौरान स्कूल स्टाफ और की जानकारी क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, शाला दर्पण पोर्टल पर डायरेक्ट आप चले जाओगे,
साला दर्पण पोर्टल पे डायरेक्ट आप जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको इसको डेस्कटॉप मोड कर लेना है और यहाँ नीचे आ जाना है। तो इसमें देखिए सिटीजन के अंदर है, इसको आप जैसे डाइस कोड वगैरह भी सर्च कर सकते हो, लेकिन इस सिटीजन के अंदर आप सिटीजन कॉर्नर के अंदर आप आसानी से सर्च कर सकते हैं सर्च स्कूल, और ये स्कीम का है तो आपको स्कूल सर्च करना है, या फिर दूसरा ऑप्शन नीचे आइए। नीचे आने के बाद में देखिए यहाँ पर स्कूल वाइज टीचर्स और स्कूल वाइज स्टूडेंट और इनरोल्ड क्लास जेंडर्स और कास्ट, तो ये आपको इसके बजाय आप स्कूल सर्च करें। सबसे पहले ऊपर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्कूल सर्च, स्कूल सर्च में आएंगे जैसे नीचे ड्रैग करेंगे तो इसमें आपको चार प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं, स्कूल सिलेक्शन, साला दर्पण आई डी, यू डाइस और पिन। इन चारों से आप सर्च कर सकते हो। जैसे स्कूल से डायरेक्ट आपको इनका साला दर्पण आई डी वगैरह पता नहीं है तो आप पहला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, इसमें सर्च कीजिए। जैसे आप सर्च करेंगे नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए, जिस डिस्ट्रिक्ट को आप लेना चाह रहे हो उस डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट कर लें। तो जैसे मैं इस हनुमानगढ़ को ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक का, तो ब्लॉक में से कौन सा ब्लॉक देखना चाह रहे हो, जैसे मैं भादरा, और इसके अंदर आपके स्कूल खुल जाएंगे सारे। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ सीनियर स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, यूपी स्कूल और पीए स्कूल, सभी प्रकार के स्कूल, इन स्कूलों में से आप जो स्कूल देखना चाहें, यानी कि आपका सेकेंडरी स्कूल देखना है क्योंकि सेकेंडरी की आपकी काउंसलिंग चल रही है, तो जैसे ये स्कूल सेकेंडरी है पचार वाली, तो इस पर आप क्लिक कर दें, और क्लिक करने के बाद सर्च करें। जैसे आप सर्च करेंगे उसके बाद में आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा वापस आएँ और विद्यालय का विवरण देखें, तो विद्यालय विवरण देखिए इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे विद्यालय का विवरण पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके डाइस कोड वगैरह सब, स्कूल का नेम्स, कौन सी लोकसभा में है, और इधर ब्लॉक वगैरह सब आपको दिखाई दे जाएंगे। ब्लॉक के बाद में यहाँ पर आपको कुछ अहम चीज़ें मिल जाएगी, जैसे स्थापना वर्ष है और फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर कई बार दे दिए जाते हैं। इस फ़ोन नंबर की थोड़ी असुविधा इसलिए रहती है कि स्कूल में लैंडलाइन फ़ोन नहीं रहता, आजकल मोबाइल रहते हैं, तो मोबाइल फ़ोन टीचर्स का दे दिया नहीं जाता है यहाँ पर। तो ये अगर इस विद्यालय फ़ोन नंबर के अंदर, अगर आप विद्यालय प्रोफाइल के अंदर आप अगर अपना हेडमास्टर अपना नंबर दें मोबाइल नंबर की बजाय आप अपना नंबर दें, तो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाए, और शायद अगर ये वीडियो जो भी देख रहे हो इनको अपडेट करना चाहिए यहाँ पर। और फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस है, नीचे इनका नाम है कि अब जो भी संस्था प्रधान या चार्ज पे उनका नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। साला दर्पण प्रभारी वगैरह सभी आपको दिखाई देगी। यहाँ देखने वाली चीज़ें हैं कि नीचे जैसे आप देखें मान्यता प्रारंभिक उच्च प्राथमिक किस प्रकार से हुई आपको सामने दिखाई दे रही है, और नीचे जो आएंगे यहाँ पर आपको स्टूडेंट की संख्या दिखाई दे रही है कि पहली दूसरी और ये दसवीं क्लास तक कितने बच्चे हैं टोटल, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि टोटल से जो ये बच्चे नीचे आ गए, यहाँ आप देख सकते हो। टीचर्स की बात करें तो टीचर से और टोटल स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। वर्किंग पोस्ट, सेंक्शन पोस्ट सब दिखाई आपको दे रही है। तो इस प्रकार से आप कोई भी स्कूल को चूज करके आसानी से इस प्रकार से यहाँ से देख सकते हो। और नंबर्स की बात करें तो नंबर्स का भी कोई ऑप्शन नहीं है, अगर फिर भी आप हमारे लिंक पे लगातार बने रहें, यहाँ पर ऐसा कोई लिंक मुझे मिला तो मैं उसको अपडेट कर दूँगा जिससे आपको उस डायरेक्ट स्टाफ के बारे में जानकारी मिल सके। तो ये आपके लिए काउंसलिंग के दौरान काफ़ी अहम जानकारी है और आपको ज़रूरी भी है। फिर उसके बाद नीचे जो मैंने है वैकेंट सीटों की डायरेक्ट डाल दी है, इसको देख सकते हो। ब्लॉक वाइज सीटों का अलग से मैंने डाल दिया, इसको आप देख सकते हो। और ज़िलेवार चयनित जो ओपन सीट है उनको मैंने डाल दिया, देख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट फाइनल की क्वेश्चन पेपर, ये लिंक इस पे देख सकते हो। अगर आप मार्क्स देखना चाहें डायरेक्ट अपने, तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे डायरेक्ट आप आरपीसी की साइट पे जाके वहाँ से रोल नंबर वगैरह डाल के देख सकते हो। सब लिंक को मैंने एक जाए कर दिए कुल मिला के, और यहाँ पर मैंने नीचे जैसे वरीयता क्रम के अनुसार आप पीडीएफ देख सकते हो यहाँ, तो ये लिंक आपके बहुत ही काम आने वाला है दोस्तों, तो आप इसको आसानी से देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर सबको करें ताकि सब लोग जान सके। और इससे जो लिंक की बात करूं तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट इस लिंक पे पहुंच सकते हो। थैंक यू दोस्तों।